नमस्कार। G20 को साबोटाज करने की बहुत कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और बिलावल भुट्टो जो आ रहे हैं इंडिया, उसको भी साबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। ये एविडेंस इंडिया के हाथ में है, कई बार इंडिया बता चुका है कि ऐसा होगा, चाहे राजौरी हमला हो या 3 तारीख को दो आतंकवादी इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इस प्रोसेस को साबोटाज करते उनके पास से AK-47 बाकी सारी चीजें मिली। लेकिन हाँ, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की मैं एक बात मानूंगा, जिहादियों को इनको थैंक्स बोलना चाहिए। कहां वो पैदल इंडिया में घुसता और पूरा पैदल जाता रजौरी तब जाके मरता, या कहीं पे श्रीनगर जाता तब जाके मरता, उसको पहले ही जन्नत दिलवा दी बॉर्डर पे ही। ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कमाल है, थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथ इसी इशू पे बात करने के लिए डॉक्टर अमजद अयून मिर्जा, जिन्होंने कभी हाल में एक आर्टिकल भी लिखा है कि G20 तो होकर रहेगा चाहे कितनी भी कोशिश की जाए पाकिस्तान की तरफ से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज कि बहुत ये शुक्रिया। जो गेम हो रहा है G20 को सैबोटेज करने की कोशिश, और बिलावल की ट्रिप के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो जाए इसकी कोशिश, ये पाकिस्तान के मंसूबे किस लेवल तक के सक्सेसफुल हो पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया रोहित भाई। सबसे पहले तो आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरे POJK का नक्शे के साथ मैंने जगह दिखाई थी कि कहाँ कहाँ पे ये बैठे हैं और कहाँ कहाँ से इनका प्लान है आने का। बकायदा मैंने बताया था कि लश्कर तैयबा के दो ग्रुप बने हैं, ये चार चार के, और वो वहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये जो दो आज सुबह गए हैं ये उसी का हिस्सा है जो रिपोर्ट मैंने पेश की थी, और ये पकड़े भी गए हैं। इसके अलावा इससे पहले भी मैंने बताया था कि 30 जहादी जो है वो लॉन्च पैड्स पे पहुंचे हुए हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये G20 को जाहिर है सैबोटाज करने का मंसूबा है। अब इसमें मैं एक और चीज आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को समझाना चाहता हूं कि G20 को सैबोटाज किया जा रहा है दो तरीके से। एक तो ऑब्वियसली जिस तरह ये आतंकवादी भेज रहे हैं, दहशतगर्द भेज रहे हैं, कुछ लोकल्स को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो एक तो ये तरीका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो टेररिज्म के वाकयात फैलाए जाएं ताकि लोगों की जो अटेंशन है वो इन टेरर अटैक्स की तरफ जाए, ना कि G20 की जो सिग्निफिकेंस है उसकी तरफ जाए। क्योंकि G20 को तो अब ये रोक नहीं सकते, तो ये उसके सिग्निफिकेंस को डेंट डालना चाहते हैं, उसकी जो अहमियत है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको एक जिसे कहते हैं ना गैर क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, मतलब है कि लोगों के जेहन में वो एक खुशगवार वाकया ना हो, एक प्लेजेंट इवेंट ना हो, बल्कि हो कि यार G20 के जमाने में इतने दहशतगर्द हमले हुए। ये तो इसका एक एस्पेक्ट। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो बहुत खतरनाक है और उस पे हमारा कोई इस वक्त कंट्रोल नहीं है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारी पार्टी का भी कंट्रोल नहीं है, एज अ पॉलिटिकल इंडिविजुअल मेरा जाती कंट्रोल नहीं है, और एज इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न उनका भी इस पे डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। और वो ये है कि इनसाइड POJK क्या हो रहा है G20 को लेकर, और POJK के अंदर इन्होंने जब से ये G20 का सिलसिला शुरू हुआ, ये पाकिस्तान ने अपनी फौज के जरिए और अपनी जो प्रॉक्सीज हैं जहादी उनके जरिए एक पूरी कैंपेन शुरू की हुई है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक, जहादी कैंपेन, हेट इंडिया कैंपेन। उसके लिए इन्होंने जो फासिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामी जमीयत तुलबा, उसको इन्होंने रिवाइव किया है मुजफ्फराबाद से लेकर तो जो आपका पुंछ के इलाके हैं और नीचे मीरपुर का जो इलाका है, यहाँ तीन डिवीजन है ना POJK के, मुजफ्फराबाद डिवीजन, पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन। इन तीनों डिवीजन में जो कॉलेजेस हैं, हत्ता के हाई स्कूल्स तक में इन्होंने इस्लामी जमीयत तुलबा जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया है, जिसका मतलब ये है कि ये वही कर देंगे जो ये पंजाब में करते हैं। यानी पंजाब में अगर कोई लेफ्ट के लोग उठे
इस्लामी जमीयतुल्मा के खिलाफ, या बलोच स्टूडेंट्स हों, या हिंदू जो हों कोई दिवाली या होली मनाए कॉलेजों में, तो फिर इस्लामी जमीयतुल्मा उन पर अटैक करती है, उनको मारती है वगैरह वगैरह। दूसरा जो पीओजे के में ये कर रहे हैं, वो ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं इलाकाई, और फिर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, जैसे अभी इन्होंने तहरीक तहफ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस की है 30 अप्रैल को, 4 दिन पहले, हटिया बाला जेलम वैली में। तो वो सिर्फ हटिया बाला में वो कॉन्फ्रेंस को आप मत देखे, उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए इन्होंने लोकल इलाकों में जाके वहां पे कैंपेनिंग की है, लोगों को मोबिलाइज किया है, मोटिवेट किया है, और फिर हजारों की तादाद में लोग जो है वो हटिया बाला लाए गए, और वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। और खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे क्या बातें और क्या नारेबाजी हुई। तीसरा जो ये कर रहे हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको हाई स्कूल्स में और कॉलेजेस में भेज रहे हैं, जहां वो पॉलिटिकल लेक्चर्स दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स पीओजेके के स्टूडेंट्स को, और वो पॉलिटिकल लेक्चर जो है उसमें दो कौमी नजरिया जो है वो उसको इस्लाम का साथ मिक्स करके, तो वो अफीम की गोली उनको खिला रहे हैं। लेकिन ये ऐसी अफीम, ये बेसिकली अफीम भी नहीं है, ये है एम्फेटामिन। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कामाकाजी थे जापानीज, जो खुदकुशी कर लेते थे, जहाज लेके नीचे चले जाते थे, और अमेरिका के जो बैरी जहाज है उनकी चिमनियों में जाके मार देते थे अपना जहाज, और फिर जो जापानीज सोल्जर्स थे, तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पता चला कि उनको एम्फेटामीन की हाई डोजेस दी जाती थी, जिसकी वजह से वो एड्रेनलिन रश होती थी। तो ये इस तरह से इस्लाम के दो कौमी नजरिए को जोड़ के इसका जो है वो बना के एक एम्फेटामिन इफेक्ट पैदा करके फिर जादी जाता है। यही वजह है ना कि वो सुइसाइड बॉम्बर बनते हैं, क्योंकि वो एम्फेटामिन का एड्रेनलिन रश होता है। दूसरा मैं ये कहूंगा, ये जो जादी पकड़ते हैं इनके ब्लड टेस्ट भी होने चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट करके उसमें चेक करें कि इनके ये ड्रग इंड्यूस्ड है या क्या है। एनीवे, कमिंग बैक टू पीओजे के, तो तीसरा ये किया है इन्होंने काम जो मैंने बताया आपको लेक्चरबाजी का पाकिस्तानी फौज की तरफ से, और चौथा आज किया आपको आपके प्रोग्राम में। हुस्न इतफाक ऐसा होता है कि आप जब मुझे बुलाते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो जा आ जा होती हैं उस वक्त, जो अभी मैंने कहीं रिलीज नहीं की होती। मैं समझता हूँ कि ये आपकी शरारत है, आप मुझे सुबह सुबह पकड़ लेते हैं ताकि किसी और को कोई खबर जाने से पहले वो खबर आपको पहुंचे, है ना। तो खबर ये है कि सर, ये शरारत नहीं है 15वीं, सर, ये आपका प्यार है मेरे लिए, आई लव यू ये टू। आपका प्यार है मेरे अच्छा, लिए। ये जो कल जो नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है चौधरी अनवर हक, इसने अपने तमाम मिनिस्टर्स और जो आला हुकाम है उनके साथ मीटिंग की है, उसमें इन्होंने ये तय किया है कि जो पीओजेके का इंटरम 1974 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको Act 74 कहते हैं, उसमें 15वीं तरमीम जो है वो की जाएगी। अब 15वीं तरमीम जो है ये आपको याद होगा, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे फारूक हैदर, उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उनको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि नीचे से बहुत आवाम का प्रेशर था। अब 15वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ऐसे है कि वो कैमोफ्लाज है, वो जो चीजें उन्होंने ऐड की हैं वो कैमोफ्लाज है असल मुद्दे का। और असल बात जो उसके अंदर है वो ये है कि ये पीओजेके के हिस्से बखरे करने की तरफ पेशकदमी है, यानी कि जो आपका पलंदरी है, मीरपुर है, भिंबर है, ये इलाके जो है ये पंजाब में शामिल, और जो मुजफ्फराबाद है, और जो आपका गढ़ी दुपट्टा हो गया, धीरकोट हो गया, ये और बाग वगैरह और रावला कोट इवन, इनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करने के की तरफ ये एक चाल है।
और इस चाल को छुपाया गया है और बहुत सारी छोटी छोटी बीच में चीजें डाल के कि जी लोकल बॉडी इलेक्शन ऐसे होंगे तो फलाना ऐसे होगा तो ढुकाना ऐसे होगा, लेकिन असल जो है वो ये खतरनाक चाल जो चल रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट तनवीर इलियास की हटा के यहाँ पे कंसेंसस, यानी कंसेंसस गवर्नमेंट कह लें आप, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की सपोर्ट करके यहाँ पे तनवीर इलियास को यहाँ से प्राइम मिनिस्टरशिप से हटवाया है थ्रू ऑफ कोर्स जुडिशियल कू, जिसमें उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको डिसक्वालीफाई किया था। बहुत खतरनाक सूरत हाल चल रही है, इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखने की जरूरत है और G20 को ये सबोटाज करना जो चाह रहे हैं उसमें ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के जेन को, जैसा मैंने कहा ना, ड्रग इंड्यूस रिलीजन और टू नेशन थ्योरी की ड्रग्स से इंड्यूस करके उसको आगे दीवार एक खड़ी करें ताकि लोगों के, हमारे लोगों को जो है ये G20 की जो इतनी बड़ी कामयाबी है हमारी, वो कश्मीर भी तो हम एक ही हैं, तो वो हम ये ना सोचें कि वहां पे इतनी तरक्की और डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि हम सोचें कि जी इंडिया तो बड़ा गलत कर रहा है वहां G20 करके। यानी हमें ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे बेनिफिट के लिए जो चीज है उसको भी तुम कहो कि नहीं नहीं ये नुकसान है, यानी इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है। जी सर, हमारी जो आर्मी है इस समय पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी आर्मी उस समय कमीशन हुई थी 1982 में। हमारे आर्मी चीफ पांडे जी, जनरल पांडे कमीशन हुए थे, ये उस समय कमीशन हुई थी जब पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाना शुरू कर चुका था। तो इन लोगों ने पहले दिन से उस टेरर को देखा है और झेला है। इन लोगों के पास एक्सपीरियंस इतना है इस टेरर को देखने का, टेरर को टैकल करने का, कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को इतने दिन से फेल करते आ रहे हैं, कश्मीर में ये बिल्कुल लगभग लगभग साइडलाइन हो चुके हैं, कश्मीरी मेन नहीं स्ट्रीम नहीं इंडिया नहीं के फेवर में। ये देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। आपने कहा कि ये इनके मंसूबों को अच्छी तरह समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनका, हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान का मंसूबा क्या है कश्मीर को लेकर। देखें ये कोई बात तो है नहीं कि पाकिस्तान ये समझे कि वो कश्मीर और जम्मू और लद्दाख ले लेगा, इतनी तो वो कभी भी उनमें ताकत नहीं थी। जो थी वो 22 अक्टूबर को थी कि वो सरप्राइज अटैक करके श्रीनगर के 4 मील तक पहुंच गए थे, फिर इंडियन आर्मी ने उनको पुश बैक किया। तो उसके बाद जो है वो ये मंसूबा कि कश्मीर के ऊपर कब्जा किया जाए, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए बहुत सारी उन्होंने कोशिशें की और ये कोशिशें बिल आखिर आके तो 1980s में जो आप बता रहे हैं उस वक्त आके इसमें एक पैराडाइम चेंज आया और वो चेंज ये था कि पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया कि हम कश्मीर को ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिर मंसूबा क्या है? मंसूबा कश्मीर को लेना नहीं है, पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले सकता, उसको पता है। तो मंसूबा क्या है फिर? और ये जरूरी है बात समझना, क्योंकि अगर हमें ये समझ नहीं आएगी कि मंसूबा क्या है तो फिर हम उस मंसूबे का तोड़ कैसे करेंगे। मंसूबा तो जिया हक ने कह दिया था, टू ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, यानी इस्लामिक जिहाद को कश्मीर के रास्ते पूरे हिंदुस्तान में ऐसे फैलाया जाए कि हिंदुस्तान का जो जिस्म है वो जिहाद के तीरों से, जिहाद के खंजरों से लहूलुहान हो जाए। उसमें हम कामयाब हुए, उसको रोकने में हम कामयाब हुए। तो पाकिस्तान का जब मंसूबा ये है कि उसने कश्मीर के मुद्दे को और ये घुसपैठ और इसको एक इरिटेंट के तौर पर कायम रखना है और चलाना है, मुसलसल चलाना है, जब तक है दम में दम चलाना है पाकिस्तान ने इसको, ताकि भारत को इरिटेट करता रहे, भारत को तंग करता रहे, भारत के लिए मुश्किलात पैदा करता रहे। तो फिर और कश्मीर हासिल नहीं करना, उन्होंने ये करना है, गंद डालना है,
इरिटेंट बन के। तो फिर इसके लिए हमें पीओजेके के अंदर जो लॉन्च पैड्स हैं, पीओजेके के अंदर जो टेररिज्म चल रहा है, उसका तोड़ सोचना पड़ेगा। और उसका तोड़ मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आजकल ये भी सोच रहा था, बाज़ोकात हम जाते हैं मसलन एक जगह से दूसरी जगह, तो उस पर लिखा होता है वाया वाया अमृतसर, बस पे जाए ना तो लिखा होता है बरास्ता अमृतसर। तो मुझे लगता है कि ये अब बरास्ता बलूचिस्तान और बरास्ता केपीके आए होगा, क्योंकि इस वक्त हमें ये देखना होगा कि बलूचिस्तान के जो तहरीक आजादी है वो अब बड़ी क्रिटिकल जो है ना पॉइंट पे आके खड़ी है, और उसको इंटरनेशनल सपोर्ट अब अगर मिलेगी तो बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तो ये है कि आप देखें, पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रिकग्नाइज नहीं किया, भारत ने भी नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया, लेकिन भारत भी वहां डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो भी घुसा हुआ है। अमेरिका ने अब कहा है कि हम तालिबान के साथ मिलकर आइसिस खुरासान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो अंदाजे दिगर रिकग्नाइज तो किया ना, सबने किया हुआ रिकग्नाइज, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं समझता हूं कि तालिबान सरकार को रिकग्नाइज करना चाहिए। वो पहले भी तालिबान की गवर्नमेंट थी 90 में, जो 9/11 के बाद उनको अमेरिकन ने अटैक करके वहां से निकाला, और फिर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स और प्रो नेटो गवर्नमेंट्स वहां पे बनती रही। एक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, हमने सोचा कि शायद ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये कामयाब रहेगा और अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होगी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए कि पाकिस्तान मौजूद था और पाकिस्तान ने उसको तालिबान को और दहशतगर्द तंजीमों को वो जगह दी जहां से वो अटैक अपने जारी रख सकते थे। बहरहाल, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अफगानिस्तान में एक सरकार बन गई है, सारे उसको साथ जो है बिहाइंड द कर्टन्स एंगेज हो रहे हैं, तो उसको तस्लीम करें प्रॉपरली, उसको लाएं वर्ल्ड कम्युनिटी में, उनको लाएं अफगानिस्तान को, उसके उनके अवाम को भी फायदा होगा। इस वक्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन चल रही है, ईरान सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से या इसराइल और फलस्तीन का मसला जो है वो अब नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसे में तालिबान सरकार को रिकग्नाइज करना होगा, करना होगा, ये मजबूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। जी योगी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने अतीक अहमद के लिए बोला था मिट्टी में मिला देंगे, और मिला दिया। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था। कुछ ऐसी ही सेंटेंसेस सेंटर से आ रहे थे इन आतंकवादियों के लिए, जिसको ये करके छोड़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मिट्टी में मिला सकते हैं योगी, और योगी को अभी चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, और अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? भारतीय आवाम मिला सकती है। ये जो अब जम्मू और कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो इलाके हैं, यहाँ पे अब विलेज डिफेंस विलेज गार्ड्स बनाए गए हैं, और उन विलेज गार्ड्स को असलाह चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरे ख्याल है कुछ 4 या 5 हजार विलेज गार्ड्स को मंथली अलाउंस भी दिया जा रहा है, 1500-2000, और उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये जो अवाम है ये उनको मिट्टी में मिलाएगी। जी ये आवाम मिट्टी में मिलाएगी, और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये हमने पहले बालाकोट में देखा था, इस बार राजौरी हुआ है, जवाब इम्पेंडिंग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इंतजार करते हैं कि कब मुझे अटैक करना है, कब मुझे जवाब देना है। अभी जवाब नहीं आ रहा है, उसका कोई रीजंस है। और सर, फाइनल आपसे क्वेश्चन कि ये पाकिस्तानी मंसूबे 30 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये आतंकवादी भेज रहे हैं, मंसूबे में सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाए। एक पोजीशन ये आ गई जब अमजद अयूब मिर्जा जी की मेहरबानी भी उसमें है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारे लगने लगे आजादी आजादी, और वहां पे लोग बोलने लगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें बचाइए,
हमें आना है, हमें 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 कौन बचाएगा, ये पीओके से आवाजें आ रही थी। तो क्या अब ज्यादा दूर नहीं है पीओके भारत में मिलना? नहीं, अब तो ये आवाजें भी आ रही हैं पीओके से कि अमजदयूब का रास्ता है हमारा रास्ता, तो मेरा रास्ता तो इलाके भारत है। तो आवाजें बहुत हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है पीओजेके में, खासतौर पे यूथ में और उस फ्रस्ट्रेटेड मिडिल एज ग्रुप में, वो जो बिटवीन 40 एंड 55 ईयर ओल्ड जो हमारी जनरेशन है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और वो उस फ्रस्ट्रेटेड जो है एज ग्रुप, उसमें भी अब बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट हो रही है कि वो कहते हैं कि ठीक है भाई, एक बंदा क्या है रहा है कि वहां चलो, तो इधर क्या है, तो चलो। क्योंकि रियासत की वहदत की जुग्राफियाई बहाली जो है, वो इसके सिवाय उसका और कोई फार्मूला नहीं है, प्रैक्टिकल फार्मूला। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डॉगमा कि आप किसी बंद गली में चले। आज के हालात में जो मैंने बताया है और बता रहा हूं बार बार, कि आज के हालात में जो रीजनल सफबंदियां हो रही है, नमाज पढ़ते हैं ना, जब जाते हैं ना नमाज पढ़ने, तो वो लाइन में खड़े होते हैं, उसको सफ कहते हैं। और सफबंदी का मतलब होता है कि आप अपनी सफें बनाए, सफें बंद करें, सफबंदी करें। तो ये जो रीजनल सफबंदी हो रही है इस वक्त हमारे इलाकों में, इसका फौरी तकाजा ये है कि पीओजेके जो है वो और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा बने। और बाकी जो मामलात हैं चाइना के साथ, सी पैक रूट, तो ये तो वो भारतीय सरकार कर लेगी उनके साथ डिस्कशन, और वो सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। डन डन, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन। देखिए, एक मुहिम आपने चलाई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पीसफुल इंडिया में मिलाने के लिए, और ये जी पीसफुल मुहिम का रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। पिछले 5 साल से जो आप ये मुहिम चला रहे हैं उसके ही रिजल्ट्स हैं ये, जो वहां के लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें बचाइए, वो लोग अब मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। बिल्कुल ये जी, उसी का मलिक वसीम ने नतीजा है। भी कहा है और लोगों ने भी वीडियोस पे कहा है। एक का खत मैंने छापा था जिसमें वो लड़के ने कहा है कि जी मुझे, मैं इंडिया आना चाहता हूं और मैं यहाँ तंग हूं और मोदी जी जो है वो मुझे बचाएं, मेरी जान को खतरा है। लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो किसको एड्रेस करें, और तो कोई है ही नहीं अब, तो वो उनको एड्रेस करते हैं। और वो समझते हैं कि जैसे पता नहीं मोदी साहब के साथ मेरी कोई हॉटलाइन पे गुफ्तगू होती है हर रोज, तो मुझे वो भेजते हैं मैसेजेस के जी मोदी जी से कह के ये करवा दे, मोदी जी से कह के वो करवा दे। मासूम राइट लोग और हैं। ये वो डिसीजंस हैं, ये वो काम है जो कि इतिहास में लिखे जाते हैं, और ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए थे और 1947 में आजादी मिली थी। इस काम में भी टाइम लगेगा, लेकिन प्रोग्रेस बहुत सॉलिड है, प्रोग्रेस बहुत सॉलिड। ऐसे है कि वो एरिया जिसको वो अपना मानते थे, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, वो तो इंडिया के फेवर में है ही, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर भी इंडिया के फेवर में आ रहा है। थैंक यू अमजद मिर्जा जी, आपका इंडिया की, भारत माता की सेवा में आने के लिए, और भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक आपका नाम जरूर गिना जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता की जय। हिंद।